नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बिहारी नॉनस्टॉप न्यूज में। तो चलिए बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरों को जानते हैं। तो खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। बिहार में कोरोना को लेकर गृह विभाग ने जारी किया नया आदेश, बायोमेट्रिक्स हाजिरी पर लगी रोक। बरसात के बाद शुरू होगा पटना कोइलवर एलिवेटेड रोड का निर्माण, जाने किन जिलों को होगा फायदा। बिहार में मतदाता सूची बनाने की अंतिम तैयारी में जुटा आयोग, अब चुके तो निकाय चुनाव में नहीं कर पाएंगे वोट। राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी को लेकर सीएम नीतीश कुमार का बयान, कहा मेरी कोई दिलचस्पी नहीं। बिहार में मॉनसून ने दी दस्तक, इन जिलों में हो रही है झमाझम बारिश। शिक्षकों की बहाली पर बोले सीएम नीतीश, हम चाहते हैं कि बिहार में ठीक से बहाली हो। पटना में नियुक्ति की मांग को लेकर डाटा एंट्री ऑपरेटर अभ्यर्थियों का हंगामा, पुलिस ने जमकर भांजी लाठियां। बिहार में कोरोना के बढ़ते मामलों ने एक बार फिर से प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। राज्य में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए अब सरकार भी अलर्ट हो गई है। इसी क्रम में अब गृह विभाग ने नया आदेश जारी किया है, जिसके तहत सरकारी कार्यालयों में बायोमेट्रिक माध्यम से उपस्थिति दर्ज होने पर रोक लगा दी गई है। यह आदेश सभी सरकारी कार्यालयों में तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया जाएगा। राज्य सरकार ने प्रदेश में कोविड के संक्रमण दर में हो रही वृद्धि को देखते हुए सभी सरकारी कार्यालयों में बायोमेट्रिक्स हाजिरी पर तत्काल 2 सप्ताह के लिए रोक लगा दी है। गृह विभाग ने इस संबंध में सभी विभागीय प्रधान एवं जिलों में निर्देश भेज दिया है। इस दौरान अधिकारी और कर्मी के स्तर पर किसी भी बायोमेट्रिक पर हाजिरी नहीं लगेगी। पटना से कोइलवर तक करीब 24 किलोमीटर लंबाई में एलिवेटेड रोड का निर्माण इस साल बरसात के बाद शुरू हो जाएगा, साथ ही इससे 2024 में आवागमन शुरू होने की संभावना है। इस सड़क के DPR को मंजूरी मिल चुकी है। सड़क बनाने के लिए निर्माण एजेंसी का चयन टेंडर के माध्यम से जुलाई में होगा। इस सड़क के निर्माण के लिए केंद्र सरकार ने करीब 4,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। इस सड़क के बनने से पटना, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर, अरवल और औरंगाबाद आने जाने वालों को सीधा फायदा होगा। सूत्रों के अनुसार पहले दानापुर से बिहटा तक करीब 20 किलोमीटर लंबाई में एलिवेटेड सड़क बनाने की योजना थी। बाद में बिहटा और कोइलवर के बीच करीब 4 किलोमीटर लंबी एलिवेटेड सड़क की मंजूरी केंद्र सरकार ने दी है। यह बिहटा एयरपोर्ट के पास का एरिया है। अब नई सड़क बनने से इस सड़क की कनेक्टिविटी 4 लेन कोइलवर भोजपुर और भोजपुर बक्सर सड़क से हो जाएगी। वहीं सोन नदी पर कोइलवर के 6 लेन पुल से होकर आवागमन शुरू हो चुका है। सूबे के नगर निकायों में चुनाव कराने को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग वार्डों के गठन व मतदाता सूची निर्माण की तैयारियों में जुटा है। जुलाई 2022 तक चुनाव वाले सभी निकायों में यह प्रक्रिया पूरी कर लिए जाने की उम्मीद है। ऐसे में जिन लोगों ने अब तक मतदाता सूची में नाम नहीं जुड़वाया है, वे इसके लिए ऑफलाइन या ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सूची में जिनके नाम गलत है या जिनको अपना नाम दूसरे निकाय की मतदाता सूची में ट्रांसफर कराना है, उनके लिए यह अंतिम मौका है। चुनाव की घोषणा होते ही यह प्रक्रिया बंद हो जाएगी और वे निकाय चुनाव में मतदान से वंचित हो जाएंगे। चुनाव वाले 245 नगर निकायों में से 228 निकायों के वार्डों के गठन का काम 30 मई को पूरा हो गया है, जबकि 14 नगर निकायों के वार्डों के गठन की प्रक्रिया 8 जुलाई को पूरी होगी। इन निकायों में मतदाता सूची के निर्माण की प्रक्रिया 3 चरणों में पूरी की जा रही है। पहले चरण में 144 नगर निकायों के मतदाता सूची 23 जून तक तैयार की जानी है। इसके लिए मतदाताओं के नाम जोड़ने, हटाने या संशोधन को लेकर दावा आपत्ति की प्रक्रिया 10 जून तक पूरी कर ली गई है। हालांकि इनके मतदाता अब भी आवेदन दे सकते हैं। देश में जल्द ही राष्ट्रपति चुनाव होने वाला है, जिसे लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम की चर्चा हुई थी। अब सीएम इन सभी अटकलों को खुद ही खारिज कर दिया है। उन्होंने साफ साफ लहजे में कहा है कि उनकी राष्ट्रपति बनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। नीतीश कुमार ने कहा है कि पता नहीं इस तरह की खबरें कहाँ से आ जाती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जनता दरबार खत्म होने के बाद राष्ट्रपति पद के उनके उम्मीदवारी पर सवाल पूछे जाने पर कहा है कि इसमें मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है। नीतीश कुमार ने साफ तौर पर कहा है कि ना तो मेरी राष्ट्रपति बनने की इच्छा है और ना ही मैं इस पद का दावेदार हूं। राष्ट्रपति चुनाव में समर्थन के सवाल पर भी नीतीश कुमार ने तस्वीर साफ करने की कोशिश की है और कहा है कि अभी तो राष्ट्रपति की उम्मीदवारी के लिए किसी का भी नाम आया नहीं है। जब किसी का नाम आएगा तब वार्ता होगी, अभी इस पर क्या बोला जाए। बिहार के लोगों को गर्मी से निजात पाने के लिए मॉनसून का बेसब्री से इंतजार था। राज्य के कई जिलों में आज मॉनसून ने दस्तक दे दी है। बिहार के दक्षिण पश्चिम हिस्सों में राज्य में मॉनसून का आगाज हुआ है। इस मॉनसूनी बारिश में
किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और सुपौल एक साथ भींग गए हैं। राज्य में इस साल भी मानसून ने अपने सामान्य आगमन तिथि के समय राज्य में दस्तक दे दी है। अब अगले 4 से 5 दिनों के दौरान पूरी ताकत के साथ मानसूनी हवाएं बादलों को साथ लेकर उत्तर पूर्वी बिहार की तरफ आगे बढ़ रही है। इस साल प्रदेश में सामान्य से कुछ अधिक बारिश होने का पूर्वानुमान भी जारी किया गया है। IMD पटना निदेशक विवेक सिन्हा ने बताया कि मानसून अगले 4 से 5 दिन में पूरे राज्य में पहुंच जाएगा। इस बार मानसून की बारिश व्यापक गरज के साथ बिजली और आंधी के साथ होगी। मासिक पूर्वानुमान के मुताबिक जून में हिमालय की तलहटी वाले जिलों में सामान्य या सामान्य से अधिक बारिश दर्ज की जाएगी। विवेक सिन्हा ने बताया है कि लगातार तीसरे साल बिहार में मानसून समय पर सक्रिय हुआ है। बुधवार की रात अथवा गुरुवार तक पटना में मानसून प्रवेश करने के आसार जताए गए हैं। बीते सोमवार को जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम के बाद जब पत्रकारों ने शिक्षक बहाली से जुड़े सवाल पूछे, तब CM नीतीश ने जवाब देते हुए कहा कि हम चाहते हैं कि सरकारी स्कूलों में बेहतर पढ़ाई हो सके, इसके लिए शिक्षकों की बहाली भी ढंग से हो और तेज गति से हो। इस मामले को शिक्षा विभाग देख रहा है। जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम हर एक सोमवार को आयोजित होता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस दौरान फरियादियों की समस्या को सुनते हैं। जनता दरबार के बाद मुख्यमंत्री मीडिया कर्मियों से भी बात करते हैं और मीडिया के सवालों का जवाब देते हैं। बीते सोमवार को भी मुख्यमंत्री मीडिया से रूबरू हुए। पत्रकारों ने शिक्षक नियोजन से जुड़े सवाल जब पूछा, तब उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि हम चाहते हैं कि सरकारी स्कूलों में बेहतर पढ़ाई हो सके, इसके लिए शिक्षकों की बहाली भी ढंग से हो और तेज गति से हो। इस मामले को शिक्षा विभाग देख रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर पटना से आ रही है, जहां पुलिस ने नियुक्ति की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे डाटा एंट्री ऑपरेटर अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज किया है। अभ्यर्थी सुबह से ही बेल्ट्रॉन भवन के समक्ष अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। इस दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज कर सैकड़ों की संख्या में प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों को खदेड़ दिया। पुलिस ने कई अभ्यर्थियों को हिरासत में लिया है। जानकारी के मुताबिक सोमवार की सुबह से ही सैकड़ों की संख्या में बेल्ट्रॉन भवन पहुंचे अभ्यर्थी नियुक्ति की मांग को लेकर हंगामा कर रहे थे। साल 2019 में आयोजित हुई परीक्षा के सफल अभ्यर्थी नियुक्ति की मांग को लेकर बेल्ट्रॉन भवन के पास जमा हुए थे। अभ्यर्थियों का कहना था कि परीक्षा पास किए काफी समय बीत गया है, लेकिन अभी तक नियुक्ति नहीं हो सकी है। इसी को लेकर अभ्यर्थी नारेबाजी कर रहे थे, जिसके बाद पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज कर दिया। बता दें कि बिहार के सरकारी कार्यालयों में डाटा ऑपरेटर के पदों पर बेल्ट्रॉन के माध्यम से अभ्यर्थियों की नियुक्ति की जाती है। परीक्षा पास करने के बाद ऐसे करीब 3,000 अभ्यर्थी हैं जिनका अब तक नियोजन नहीं हो सका है। परीक्षा पास किए लंबा समय बीत चुका है, लेकिन अभ्यर्थियों की नियुक्ति नहीं हो सकी है। अभ्यर्थियों का आरोप है कि जल्द से जल्द नियुक्ति का आश्वासन देकर 3 साल का समय बीत जाने के बाद भी नियुक्ति नहीं की गई है। सरकार की ओर से सिर्फ आश्वासन ही दिया जा रहा है। सारण के रहने वाले लालू प्रसाद यादव इस बार राष्ट्रपति का चुनाव लड़ेंगे। इससे पहले वे 2017 के चुनाव में अपनी किस्मत आजमा चुके हैं। 2017 के राष्ट्रपति चुनाव में उन्होंने नामांकन तो दाखिल किया था, लेकिन प्रस्तावक का संख्या बल पूरा नहीं होने के कारण उनका नामांकन रद्द हो गया था। इस बार वे पूरी तैयारी के साथ नामांकन करने के लिए दिल्ली जाने वाले हैं। इसके लिए उन्होंने फ्लाइट की टिकट भी बुक करा ली है। दरअसल सारण के मढ़ौरा नगर पंचायत क्षेत्र स्थित यादव रहीमपुर के निवासी लालू प्रसाद यादव वार्ड पार्षद से लेकर लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद समेत कई चुनावों में अपनी किस्मत आजमा चुके हैं, लेकिन किसी भी चुनाव में उन्हें कामयाबी हासिल नहीं हुई है। साल 2001 में उन्होंने पहली बार मढ़ौरा नगर पंचायत के वार्ड पार्षद का चुनाव लड़ा था। साल 2006 और 2011 में भी वार्ड पार्षद चुनाव में कूदे, लेकिन यहां भी उनकी किस्मत दगा दी गई। साल 2014 और 2019 में छपरा में निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर लोकसभा का चुनाव लड़ा, लेकिन चुनाव हार गए। सारण के धरती पकड़ लालू प्रसाद यादव को विश्वास है कि जनता उन्हें एक बार मौका जरूर देगी, वे सदन में जरूर पहुंचेंगे। राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए 100 प्रस्तावकों की जरूरत होती है। फिलहाल उनके पास 40 प्रस्तावक हैं और बाकी 60 प्रस्तावकों की व्यवस्था भी वे जल्द कर लेंगे। पटना का एम्स अस्पताल में लोग अक्सर बेहतर इलाज एवं सुविधा के लिए आते हैं, लेकिन पटना एम्स से एक ऐसा मामला सामने आया है जहां डॉक्टरों ने ऑपरेशन के दौरान महिला मरीज के पेट में रुई छोड़ दी। इस महिला की सर्जरी बीते साल सितंबर महीने में हुई थी। ऑपरेशन के 9 महीने बाद जब महिला के पेट में दर्द उठा तो अल्ट्रासाउंड कराया गया, जहां जांच में पेट के अंदर रुई होने की बात सामने आई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पीड़ित महिला का नाम पूजा कुमारी है और वह पटना के दानापुर स्थित सगुना मोड़ की रहने वाली है।
वह खुद मसौढ़ी अनुमंडलीय अस्पताल में मेडिकल ऑफिसर के पद पर तैनात है। बताया जा रहा है कि 14 सितंबर 2021 को पटना एम्स में उनकी डिलीवरी ऑपरेशन के जरिए हुई थी। एम्स के संबंधित विभाग की एचओडी और डीन डॉक्टर हिमानी और उनकी टीम ने महिला मरीज की डिलीवरी कराई थी। ऑपरेशन के 15 दिन बाद ही टाका पक गया तो एम्स दिखाने के लिए पूजा दोबारा आई थी। इस पर डॉक्टर हिमानी ने फटकार लगाते हुए कहा था कि लापरवाही की वजह से टाका पक गया है, जिसका कोई नहीं उन लोगों का एसकेएमसीएच सहारा बनेगा। एसकेएमसीएच में बेसहारा मरीजों के लिए अलग से वार्ड बनाए जा रहे हैं। अस्पताल में ऐसे मरीजों के लिए अलग से वार्ड बनाकर उनकी बेहतर देखभाल की व्यवस्था की जाएगी। एसकेएमसीएच में मेडिसिन वार्ड के पास स्थित खाली जमीन में भवन बनाया जा रहा है। बेसहारा वार्ड में अन्य वार्ड की तरह 24 घंटे पैरामेडिकल स्टाफ व स्टाफ नर्स तैनात रहेंगी, जो कि भर्ती मरीज की देखभाल करेंगे। यही नहीं, बेसहारा वार्ड में भी भर्ती मरीज को अस्पताल प्रबंधन की तरफ से तीनों टाइम खाना व समय पर दवा खिलाने के लिए बाकायदा एक केयर टेकर भी तैनात किया जाएगा। शुरुआत में बेसहारा वार्ड में 30 महिला व 30 पुरुष बेड की व्यवस्था होगी, लेकिन बेसहारा मरीजों की संख्या बढ़ने पर लावारिस वार्ड में बेड की संख्या बढ़ाई जाएगी। एसकेएमसीएच के अधीक्षक बाबू साहब झा के मन में अस्पताल में लावारिस वार्ड बनाने का विचार उस समय आया जब वह बीते दिनों रूटीन में वार्ड का निरीक्षण कर रहे थे। उन्होंने देखा कि एक बेसुध व्यक्ति को स्थानीय लोग इलाज के लिए एसकेएमसीएच के वार्ड में छोड़ गए हैं, लेकिन इलाज के दौरान लावारिस व्यक्ति के पास कोई परिजन मौजूद नहीं था। आज के सुर्खियों में बस इतना ही। बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही साथ फेसबुक और इंस्टाग्राम में हमें फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।